जिंदाबाद जिंदाबाद जुल्म के चक्कर में जुल्म के चक्कर में तो मेरे नौजवान साथियों, एक शेर के माध्यम से अपनी बात को रखूंगा। जलते घर को देखने वाले, जलते घर को देखने वाले, उसका छप्पर आपका है। जलते घर को देखने वाले, उसका छप्पर आपका है। उसके कत्ल पर मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पर तुम चुप हो, अगला नंबर आपका है। इसका मतलब होता है कि आदमी बर्बाद हो सकता है परंतु हार नहीं सकता। तो हम लोगों को सरकार ने बर्बाद कर दिया है, हम लोगों को सरकार ने बर्बाद कर दिया है। अगर राम मंदिर का संयुक्त मोर्चा बीएड हिंदुस्तान को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और यहाँ पर उपस्थित सभी साथियों के लिए चाहता हूँ कि आप लोग एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत और अभिनंदन करें। मेरे नौजवान साथियों, जब तक यहाँ पर हजारों की संख्या में छात्र मौजूद रहेंगे, मैं आपको आगाह करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि ये इलाहाबाद क्रांतिकारियों की धरती है, इलाहाबाद वीरों की धरती है। यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद जी ने खुद को गोली मार दी थी देश की आजादी के लिए। तो यहाँ पर अगर हम लोगों का अध्यादेश नहीं आएगा तो इलाहाबाद क्रांतिकारी के लिए जाना जाता है। आगे कितनी बड़ी क्रांति होगी इस सरकार को पता नहीं है। इस सरकार को हम लोगों के साथ में अध्यादेश लाना होगा, क्योंकि हमने एनसीटी 28 जून 2018 के फैसले को देख कर बीएड किया था। और ये हमारी गुहार है सरकार से, ये हमारी मांग है कि 2018 के देख कर अगर हमने बीएड किया था, हमने लाखों रुपए भूखे ने घर की जमीन बेचकर, हमारे माँ बाप ने हमको अगर पढ़ाया था, बीएड की डिग्री लेने पर मजबूर किया था। हम लोग भावी शिक्षक हैं, इस देश का हुनर है, इस देश के नौजवानों को हम लोग एक राह देंगे, हम लोग आने वाले शिक्षक हैं। और हम चाहते हैं कि अगर इस देश का भविष्य कोई बनाता है तो उसका नंबर वन काम करता है शिक्षक। तो आप लोग हम लोगों के साथी शिक्षक बनने वाले हैं। तो मैं आपसे चाहता हूँ, अगर इस देश की सरकार, इस देश का नौजवान, इस देश के माँ बाप अगर चाहते हैं कि उनका लड़का, उनका क्या कहते हैं बेटा, उनका बेटी, उनकी बहन अगर आगे बढ़ के जीवन में कुछ करना चाहते हैं, पढ़ना लिखना चाहते हैं, तो इस बीएडधारी को जिसकी डिग्री सरकारी है, कोई सरकारी कॉलेज से पढ़ के आया है, कोई प्राइवेट कॉलेज से पढ़ के आया है, लाखों खर्च करके आया है, जमीन बेच कर आया है, उसके बाद ये सरकार का इतना रवैया गड़बड़ है कि सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाकर हम लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। तो मैं बताना चाहता हूँ, सरकार सुन लो, अगर बीएड अध्यादेश 2024 के पहले नहीं आया तो सुन लो सरकार, तुमको भी हम लोग बाहर का रास्ता दिखा देंगे। नौजवानों, हम लोग बीएड डिग्री धारक हैं, हम लोगों के पास केवल एक साल, एक यही जीवन में बचा है कि अब हमको मास्टर बनना है। हम लोगों की उम्र 24-25-26 साल हो गई है, ठीक है, कुछ लोग तो
बाउंड्री लाइन पर है, जो कि बाउंड्री लाइन क्रॉस करने वाले हैं, हमको उनके हक की लड़ाई। साथियों आपको बताना चाहूंगा, बीएड और बीटीसी दोनों भाई हैं, लेकिन इनको लड़ाने का काम ये गंदी सरकार कर रही है कि किसी तरह वैकेंसी को रोका जाए, किसी तरह वैकेंसी को रोका जाए। साथियों ये टेट कहते थे कि हम साल में दो बार कराएंगे, वो लोग कहे थे कि नहीं, दो साल में कितनी बार हुआ, टेट कहते थे साल में दो बार कराएंगे, एक बार करा रहे हो, क्या माजरा चल रहा है, कभी पेपर आउट तो कभी ये आउट।